हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 17th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 16 में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस का थ्योरी डिटेल में डिस्कस किया था। उसके ऊपर बहुत सारे फॉर्मुलाज हम लोग ने लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में डिराइव किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग क्लासवर्क डिस्कस करेंगे जो लेक्चर नंबर आपका 16 के ऊपर बेस्ड है। लेक्चर नंबर 16 के एंड में आपको दो पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं, एक है क्लासवर्क और एक है होमवर्क। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेक्चर 17 क्लासवर्क। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी ये पीडीएफ ओपन कर लीजिए और आज के लेक्चर में हम लोग को यही फॉर्मुलाज बार बार यूज करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू सॉल्यूशंस ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट? नाउ सॉल्यूशन ए है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन ए रखा हुआ है और यहाँ पे बेटा सॉल्यूशन कौन सा है, बी है, और दोनों को सेपरेट करने वाला मेम्ब्रेन कौन सा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ए है, ठीक है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है कोई, ठीक है? एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस द लेवल ऑफ सॉल्यूशन ए इज फाउंड टू राइज। यहाँ पे बेटा वाटर का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। अगर वाटर का लेवल बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वाटर इज कमिंग फ्रॉम बी टू ए या ए टू बी? सर ऑब्वियसली बी से ए ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लो कॉन्सेंट्रेटेड है और ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड है बेटा। तो इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है बच्चों, लो है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इट इज ऑप्शन ए, द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन इज 480 एम, व्हाट विल बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट 546 अंडर सिमिलर कंडीशंस। मतलब बाकी सब कंडीशंस को कांस्टेंट रखा गया है, टेम्परेचर T1 इज 273 केल्विन, ठीक है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई 1 का वैल्यू दिया है 480 एम। उन्होंने बोला है टेम्परेचर T2 इज 546 केल्विन और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमको पूछा है। तो बच्चों बाकी सब कंडीशन सेम है तो वी कैन सिंपली से पाई वन अपॉन पाई टू इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 लिख सकता हूँ। पाई वन का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 अपॉन पाई टू एज इट इज। T1 का वैल्यू कितना है, 273 डिवाइड बाय दिस इज गोइंग टू बी 546, क्लियर है? ये इसका डबल ही हो जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 1 जा ये 2 जा 2 4 जा 8, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पाई 2, सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी 4 2 जा 8 क्या 80 एम, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल ही हुआ, सो Nb का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है? That will give rise to an osmotic pressure of 180 m. Osmotic pressure कितना दिया है बच्चों? 180 m. And STP बोला हुआ है. At what? STP. ठीक है ना? STP बोला है मतलब temperature is 0 degree Celsius मतलब 273 Kelvin हो जाएगा. तो मुझे तो बेटा formula कौन सा use करेंगे? Volume दिया हुआ है क्या? What is the volume? Volume पूछा है. तो मुझे तो formula कौन सा use करेंगे? Third वाला formula use कर लेंगे. Pi V is equals to क्या? NbRT ले लेंगे. करेक्ट ऑप्शन बेटा लीटर्स में दिया है तो लीटर एटमॉस्फेयर वाला आर का वैल्यू हमको पता होगा, आर प्रेशर का वैल्यू 180 एम है, एनबी की जगह पे 1 लिखेंगे, आर का वैल्यू 1/12 × 273, ठीक है? अगर ये 300 होता तो ये कितना होता, 300 होता और ये 12 होता तो 25 आता था, अब ये 300 नहीं है तो इसका मतलब 25 से आंसर कम आएगा, सो देयरफॉर वॉल्यूम का आंसर 25 से कम, एक ही ऑप्शन है 22 लीटर्स। और मैंने जब आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया तो मोल कंसेप्ट में मैंने आपको बोला ही था बेटा ये वैल्यू का आंसर ही कितना होता है, 22.4 आता है, एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे तो 22.4 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 0.6 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, सो दैट इज नथिंग बट WB 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन 0.1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूमेंट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम बेटा सेम ही मान के चलेंगे, बिकॉज 0.6 ग्राम डालने के बाद वो कोई ऐसा एक्सपांड होने वाला है नहीं, तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम बन गए। इट डेवलप्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1.23 एटीएम, सो प्रेशर इज 1.23 एटीएम दिया हुआ है,
at 27 degree Celsius. So temperature is given as 300 Kelvin, 27 degree Celsius मतलब 300 Kelvin. The molecular mass of the solute is मतलब mb का value पूछा है. तो बेटा हम लोग वो वाला fourth वाला formula use करेंगे. So directly formula लिख देते हैं. mb is equals to wbRT upon pi into b लिख देंगे. Correct. So what is wb? 0.6 into r का value ये liter में और वो atmosphere में, तो 1/12 ले लेंगे. इनटू टेम्परेचर का वैल्यू दिया है 300 डिवाइड बाय, ठीक है ना, पाई का वैल्यू कितना दिया है 1.23, इनटू वॉल्यूम का वैल्यू दिया है 1.01, ठीक है ना. तो ये 1 जा, ये कितना बेटा 6 जा, बराबर है. तो मुझे था बेटा ये 6 1 जा 6 2 जा 2 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 150, ठीक है ना. सो 150 डिवाइड बाय कितना बेटा 1.23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना. सो 150 डिवाइड बाय 1.23, तो 150 बेटा अगर हम डिवाइड करेंगे 1.23 से, तो डेफिनेटली बेटा 150 से आंसर क्या आ जाएगा, कम. देखो 1.23 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1, बट ये 0.23 है तो बेटा 150 से आंसर क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा. सो 150 से आंसर कम, एक ही ऑप्शन है 120. सर 149 भी तो है ना, इतना भी कम नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सा ही कम नहीं होगा बेटा, थोड़ा ज्यादा तो कम होगा ना. तो 120 ग्राम पर मोल इज द प्रॉपर आंसर, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. 1% एक्वस सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम दिया है, ठीक है ना. तो इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू बी कितना है बेटा, 1% है मतलब 1 ग्राम है, और क्या. अब अ सर्टेन सब्सटेंस इज आइसोटोनिक विद 3% सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज, 3% सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज, मतलब डब्ल्यू बी कितना दिया है, 3% दिया है, मतलब 3 ग्राम हो गया. एम बी का वैल्यू दिया है बच्चों कितना, 180 दिया हुआ है. At a given temperature, the molecular mass of the substance is, ठीक है ना, इस substance का molecular mass हमको निकालना है बेटा. इस substance का molecular mass कितना होगा, question mark है. तो मुझे एक बात बताओ, अगर isotonic दिया हुआ है, pi 1 is equals to pi 2, क्यों, क्योंकि question में बेटा बोला हुआ है, they are dash in nature, isotonic in nature. अगर isotonic है तो C1 will be equal to C2, but C is equal to what, n by V होता है. So n by V of first will be equal to n by V of second. तो v भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में बेटा दोनों का वॉल्यूम क्या दिया है, 100 दिया है, क्योंकि ये भी परसेंट में दिया वो भी परसेंट है, तो पर मतलब 100 ml दिया, 100 ml दिया, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा. सो देयरफॉर वी कैन से दैट n by v, v v दोनों साइड से कैंसिल, सो n इक्वल टू n1 इज इक्वल टू n2. सो इसका और ये वाला, इसको 1 मान ले लेते हैं 1, और इसको बेटा क्या मान लेते हैं 2. तो मुझे बता बेटा ये कितना हो जाएगा, n का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है. सो 1 अपॉन mb इट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 180, 1 जा 60 जा, सो व्हाट विल बी mb, इट विल बी 60 ग्राम पर मोल. सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 200 ml, 200 ml बोलते हैं बेटा वॉल्यूम कितना लिखेंगे, 0.2 लीटर्स, ठीक है. 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम, इसमें बेटा प्रोटीन कितना है, WB 1.26 क्या है, ग्राम्स, ठीक है ना. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड टू बी, पाई का वैल्यू दिया हुआ है बेटा 2.57 इंटू 10^-3 बार, पाई का वैल्यू दिया है 2.57 इंटू 10^-3 बार, राइट. आगे क्या दिया देखो, द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन विल बी, मोलर मास ऑफ द प्रोटीन मतलब एम बी का वैल्यू पूछा है, और आर का वैल्यू दिया हुआ है बेटा, आर का वैल्यू कितना दिया है, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, है ना. तो बेटा डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली, ठीक है ना. हमको क्या चाहिए, एम बी चाहिए ना, तो एम बी विल बी इक्वल टू क्या, यहाँ से बेटा एम बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन क्या, पाई इंटू बी. सो व्हाट इज डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी का मतलब 1.26 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 0.083, इसको बेटा मैं 1/12 लिख दूंगा अप्रॉक्स, चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंटू टेम्परेचर कितना दिया बच्चों 300 दिया है, डिवाइड बाय प्रेशर कितना दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर 2.57 इंटू 10^-3, क्लियर, इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.2 लीटर्स, करेक्ट. चलो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसका वैल्यू तो 25 के लगभग होता ही है, कितना होता है 25. तो अभी मुझे था इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करते, दो मिनट ध्यान देना. 10^-3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा,
अभी ध्यान से देखना, 1.26 × 25 × 1000, 1000 क्यों, क्योंकि ये 10^-3 ऊपर गया है, डिवाइड बाय, ठीक है, इसको मैं बेटा 25.7 और इसको मैं 2 लिख दूं चलेगा? सर आपने 10^-2, ये देखो इधर से एक और इधर से एक, 10^-2 का प्रॉब्लम हुआ तो 10^-2 लिख दिया इनटू 10^-2। सर ऐसा करने का कारण बताओ? ऐसा करने का एक ही कारण है बेटा, ध्यान से देखना, ये 25 25 ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा, मैं आपको अप्रॉक्स आंसर बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। फिर अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये बेटा 12.6 है समझो, तो कितना हो जाएगा बेटा, 63 के लगभग आएगा, 63 और ये 1000, ठीक है ना। तो अभी ये देखो, ये तो ऑलमोस्ट कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली का साइन डाल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 0.63 हो जाएगा, 0.63 हो जाएगा, बराबर है। अगर ये 0.63 हो जाएगा इंटू 10^2 कितना बेटा, 5 है ना, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली निकालू तो 63 1 2 ये 3 4 और 5, 63000 के एकदम करीब कोई आंसर है क्या? 63000 के करीब एक ही आंसर है, 61038, so which is equal to approximately 61038 ग्राम पर मोल, so इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। so this is question number 6, question number 7 देखते हैं। at 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, 300 केल्विन, at 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 36 ग्राम एंड वॉल्यूम कितना दिया बेटा, 1 लीटर। आगे रीड करते हैं, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया है 4.96, 4.96 मतलब 5 ही मान के चलो। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, मतलब ये पाई 1 मान लो, इसको पाई 2 मान लो, कितना 5.1.5 बार, एक सेकंड, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is 1.52 bar at the same temperature, मतलब T1 और T2 equal है, what should be its concentration, मतलब आपको क्या पूछा है, concentration पूछा हुआ है, ठीक है ना, but concentration किस में पूछा है बच्चों, वो भी देखना जरूरी है, ग्राम पर लीटर में ही पूछा है, concentration अभी भी उन्होंने किस में पूछा है बच्चों, ग्राम पर लीटर में ही पूछा है, तो मुझे बताओ ये कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए, पाई 1 अपॉन पाई 2 बराबर है ग्राम पर लीटर, मुझे बता बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो मोल्स पर लीटर आ रहा है ना, क्या आ रहा है, मोल्स पर लीटर, तो पहले मोल्स पर लीटर निकाल लेते हैं फिर ग्राम्स पर लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे कितना बच्चों, पाई 1 अपॉन पाई 2, यहाँ पे ये देखो एक सेकंड, ये सब्सटेंस सेम है ना, सब्सटेंस तो सेम ही है, तो मुझे बता बेटा मोल्स में मोलर मास वो भी कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या है कॉन्स्टेंट ही है, तो कहना है बेटा ये तो सिंपल है बेटा, इसको तो आप कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू 1 अपॉन डब्ल्यू 2 कर दो बस, क्यों, क्योंकि मोलर मास भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सर नहीं समझा, तो ये देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन देख लो, पाई 1 अपॉन पाई 2 विल बी इक्वल टू एन बाय वी ऑफ 1 विल बी अपॉन एन बाय वी ऑफ 2 हो जाएगा, तो वी और वी तो सेम ही है और एन भी तो बेटा सेम ही तो सॉल्यूट है, सेम ही तो क्या है, सॉल्यूट है, तो मुझे एक बात बता, टेम्परेचर सेम रहेगा, खाली आपको कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के लिए एन वन अपॉन एन टू करोगे, एन वन अपॉन एन टू का मतलब डब्ल्यू बाय एम, डब्ल्यू बाय एम, तो एम एम तो दोनों सेम ही रहेगा बेटा, तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ही हो जाएगा ना। तो आप मुझे था इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पहले कितना था, 4.96 था डिवाइड बाय 1.52, W1 कितना बच्चों, W1 पहले कितना मास दिया था, 36 दिया था, अभी हम लोग को मास निकालना है, सो W2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सो W2 इज इक्वल टू व्हाट विल बी W2, इट इज 36 इनटू 1.52 डिवाइड बाय 4.96, ठीक है ना। अभी देखो अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना है, इसका भी आंसर एकदम क्लोज तो नहीं है, दूर दूर ही है, तो अपना काम हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखो इसको 4.96 को 5 ले लो, 5 7 जा कितना 35, सो डेफिनेटली बेटा ये 36 है और ये 4.96 है, तो 7 से थोड़ा हल्का फुल्का ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अभी ये कितना हो गया, 7 से थोड़ा हल्का फुल्का ज़्यादा, समझो अपन 8 ले लेते हैं, 8 इंटू ये 1.52 है, 1.52 मतलब 3/2 ले लूँगा, आया ना, तो 3/2 ले लिया, तो 1 जा 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12, तो 12 के आजू बाजू में कोई आंसर होना चाहिए बेटा, 12 के आजू बाजू में एक ही आंसर है बेटा, कितना 11 ग्राम पर लीटर, ऐसे काम करना बच्चों, इसको कैलकुलेट करते नहीं बैठना पूरा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
Question number 8. Which one of the following statement is false about osmotic pressure? It is the pressure of the hydrostatic column set up due to the osmosis. It is the pressure applied on the solution to prevent the entry of solvent through its semi-permeable membrane. During osmosis, the flow of solvent is from dilute solution to concentrated is only from. Only word नहीं आएगा बेटा. ध्यान ध्यान रखना. Osmosis में बेटा. Osmosis में याद रखना. Low concentration से high concentration की तरफ भी जाता है solvent और high से low भी आता है. But इसमें बेटा ये ज़्यादा होता है और ये कम होता है. इस वजह से net जो होगा वो forward होता है. बट ओनली थोड़ी हो रहा है बेटा. ओनली तो वर्ड नहीं आएगा. तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो सब कुछ राइट है बेटा. ऑप्शन कौन सा? सी रॉन्ग है. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9. एट लो कॉन्सेंट्रेशन द स्टेटमेंट दैट इक्विमोलर सॉल्यूशन अंडर अ गिवन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर इज ट्रू ओनली फॉर. तो बच्चों याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कब हो सकता है? वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कि बेटा डिसोशिएट ना हो. क्या ना हो? डिसोशिएट ना हो. तो इसके लिए याद आंसर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा. डिसोशिएट अगर होगा, अगर वो डिसोशिएट हो रहा है तो फिर नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे बेटा? डिस्टर्ब हो जाएंगे. नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी. तो वैसा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लेक्चर में सिखाया था. द बेस्ट एंड द एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटीन्स है, पॉलीमर्स है, स्टार्च है, इन सबका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं. That is option B, Berkeley and Hartley method. बाकी सब method भी है, but ये सबसे best है ना, experimentally observe किया गया है best और ये accurate method भी है. Which inorganic precipitate act as a semi-permeable membrane? It is copper ferrocyanide. That is option कौन सा? B. Question number 12. When mango is placed in a dilute solution of hydrochloric acid, जब mango को बेटा dilute solution में रखेंगे, ठीक है ना? तो क्या होगा? वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब करेगा बेटा क्यों? क्योंकि मैंगो के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और बाहर डाइल्यूट है तो वो क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो स्वेल हो जाएगा. तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? स्वेल्स. इसका आंसर हो जाएगा स्वेल्स. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 से वापस न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे. तो आप इसका पहले फोटो ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 13 में, an aqueous solution of sucrose containing 34.2 gram per liter, मतलब ये आपको क्या दिया होगा बच्चों? ये WB by V दिया हुआ है already, 34.2 gram per liter, right? Has an osmotic pressure of 2.38, pi का value दिया है 2.38 atm, yeah? At 17 degree Celsius, so temperature is 17 plus 2 73 मतलब 290 केल्विन हो जाएगा. 290 केल्विन फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ये वाला किसके लिए बेटा? सुक्रोज के लिए था. तो ये केस 1 मान लो, केस 2 बताओ उन्होंने किसके लिए बोला है? फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ग्लूकोज टू बी आइसोटोनिक विद दिस सॉल्यूशन इट वुड हैव, कितना इजी है इसका आपको W/V निकालना है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना हो जाएगा? 2.38 atm एट द सेम टेम्परेचर, T is 290 केल्विन. क्लियर है? तो कैन वी से दैट बेटा आइसोटोनिक बोला तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम. ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो किसके लिए दिया है? सुक्रोज के लिए. और ये जो इन्फॉर्मेशन दिया वो किसके लिए दिया है? ग्लूकोज के लिए. तो ग्राम पर लीटर तो दोनों में सेम ही रहेगा बच्चों. तो कैन आई से दैट ये पाई 1 ये पाई 2 ले लेते हैं. पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 हो गया. So, pi 1 और pi 2 अगर इक्वल है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही है बेटा. n by v दोनों का सेम हो जाएगा. वॉल्यूम 1 लीटर है तो n और दोनों का n भी सेम हो जाएगा. तो n का मतलब w by m होता है. सो w by m ऑफ सुक्रोज विल बी इक्वल टू, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना बहुत काम आता है, इससे बहुत सारे सम सॉल्व हो जाएंगे. w by m ऑफ ग्लूकोज. व्हाट इज w by m? w बेटा दोनों का वी भी तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे भी वी. तो कितना? 34.2 डायरेक्ट ले लो. और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास सबको पता होना चाहिए, 342 होता है. इसका W तो मुझे पता नहीं है, वो तो निकालना ही है. और वॉल्यूम सॉरी मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है बच्चों? 180. सो ये 1 जा ये 10 जा हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल. सो W कितना हो जाएगा बच्चों? 18 ग्राम पर लीटर. ओके
So that is option C. Option C हो जाएगा. Next question number 14. बहुत ही question अच्छा है. Read the question. The osmotic pressure in atmosphere of 10% solution of cane sugar. 10% solution of cane sugar मतलब WB कितना बच्चों? 10 है. 10 ग्राम हो गया. Cane sugar है बेटा तो उसका molecular mass कितना आ जाएगा? 342 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 342. Next आपको बोला है 10% solution. So what is the volume of the solution? 100. 10% मतलब 100 ml हो जाएगा. 100 ml मतलब 0.1 लीटर. At 69 degree Celsius, तो temperature कितना हो जाएगा बेटा? 69 में अगर 273 add करेंगे तो 342 Kelvin हो जाएगा. 342 Kelvin, right? So अभी मुझे बता बेटा आपका formula कौन सा हो जाएगा? Osmotic pressure वाला वही formula use कर लेते हैं. Pi is equals to WBRT upon NB into V हो जाएगा ना बच्चों? MB into V. तो आप मुझे था बच्चों WB कितना है? 10 है. R का वैल्यू ये लीटर में दिया हुआ एटमॉस्फेयर में ही पूछा है ना. एटमॉस्फेयर में पूछा है तो 1/12 यूज कर लेंगे अपन. टेम्परेचर 342 डिवाइड बाय मोलर मास दिया है 342 इनटू वॉल्यूम इज 0.1 है ना. तो ये वाला ही कैंसिल हो जाएगा. ठीक है तो मुझे था बेटा पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 1.2. ठीक है ना. 10 डिवाइड बाय 1.2 क्यू 12 इनटू 0.1 तो ये बेटा आंसर आ जाएगा 10 से कम हो जाएगा क्योंकि ये 1.2 है. 10 से कम एक ही ऑप्शन है. दो ऑप्शन है 7.21 भी है और 8.21 भी है. तो आंसर आ जाएगा बेटा 8.21. सर ऐसा कैसे कर दिया आपने? क्यों मुझे पता है इसका वैल्यू कितना था. इसका वैल्यू था 0.08205 ना. तो 0.0825 से तो आंसर डेफिनेटली यही आएगा. सो 8.21 क्या एटीएम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज फ्रॉम द साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद अनइक्वल फ्लो रेट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स. यस तो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा? अनइक्वल रेट्स होता है. नेट रेट जो होता है वो लो से हाई रहता है. तो इसका आंसर क्या देगा? ऑप्शन ए. दोनों साइड में होता है बेटा, याद रखना. ऐसा मत बोलना कि खाली एक ही साइड में होता है. होता है दोनों साइड में, बट नेट जो होता है वो लेफ्ट से सॉरी लो से हाई होता है. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. At 298 Kelvin, the ratio of osmotic pressure of solution to the substance with concentration dash and dash is. मतलब आपको pi 1 upon pi 2 पूछा है. Pi 1 upon pi 2 पूछा है और C 1 का value दिया है 0.01 and C 2 का value दिया है 0.001. तो इसका जो हो जाएगा 10^-2 और इसका जो हो जाएगा 10^-3. So बोलो pi 1 upon pi 2 will be equal to what upon what? C1 upon C2, so this is equal to 10^-2 upon 10^-3. 10^-3 ऊपर गया तो plus 3, 10 बचेगा, so answer आ जाएगा 10^-1. Answer is 10^-1, that is option C. ठीक है, 1:10 नहीं, 10^-1. So इधर तो सिर्फ 10 दिया, तो 10 upon 1 माना जाएगा और क्या? Sea water is converted into fresh water by the phenomenon of रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज ऑप्शन डी. ये तो मैंने क्लास में सीखा था, लेक्चर में सीखा था. क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज. एम्पिरिकल फार्मूला क्या बेटा? CH2O है. डेफिनेटली दे आर आस्किंग फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमको एम्पिरिकल मास चाहिए ना. एम्पिरिकल मास इसका कितना बच्चों? 30 आएगा. आगे काम आएगा अपने को और कुछ नहीं. अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ द कंपाउंड. सो WB कितना दिया बेटा? 3 ग्राम. एग्जर्ट्स एंड सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ 0.05 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन. सो कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.05 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन. द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज. ठीक है ना. तो आप मुझे बता इस कंपाउंड की बात करें तो मुझे तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ जाएगा बताओ? इट इज WBRT बाय MB लिखेंगे बेटा. क्लियर है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा जितना 0.05 मोलर में है उतना ही इसमें भी है. जितना 0.05 मोलर किस में? ग्लूकोज में ना. हाँ जितना 0.05 मोलर ग्लूकोज में है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर वो इसमें भी है. तो आप मुझे W का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है, क्या टेम्परेचर का वैल्यू दिया है? नहीं दिया हुआ है. तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँ? ये वाला फॉर्मूला से कैसे सॉल्व होगा बेटा?
ये वाले फॉर्मूला से तो सॉल्व नहीं होगा, तो कैन वी सी दैट इस फॉर्मूला से सॉल्व हो सकता है, पाई वन इज इक्वल्स टू पाई टू। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या लिखूंगा, सी आर टी यूज करना पड़ेगा मुझे, क्या यूज करना पड़ेगा, सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.05 मोलर ग्लूकोज कितना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.05 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज सी एच टू ओ, करेक्ट, एम्पिरिकल मास मिल गया। उसके बाद में अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ द कंपाउंड एक्सर्ट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ, ठीक है ना, एज दैट ऑफ 0.05 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ओके, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एम बी तो निकालना पड़ेगा, जब तक एम बी नहीं मिलेगा तब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा नहीं। तो एम बी निकालने के लिए आपको डब्ल्यू बी पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, टी पता होना चाहिए और वी पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी होता है, बराबर है, पाई इज इक्वल टू कितना क्या होता है, सी आर टी। तो वट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन, बोलो, पाई इज इक्वल टू 0.05 m, दैट इज आर टी, यही होगा, ठीक है। तो इस वाले जगह पे, पाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 0.05 rt इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी एम बी इंटू वी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा वॉल्यूम कितना माना गया है, 1 लीटर माना गया है, वॉल्यूम को कितना माना जाएगा, 1 लीटर। तो मुझे था ये आर आर कैंसल, टी टी कैंसल, और वॉल्यूम कितना लीटर है, 1 लीटर है। तो एम बी का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 है। सो 0.05 इज इक्वल टू 3 upon mb, एम बी तो हमको निकालना है बच्चों। सो व्हाट विल बी एम बी, एम बी इज इक्वल टू 3 upon, क्या मैं इसको 5 × 10⁻²⁺ लिख सकता हूँ, यस, क्यों नहीं लिख सकते सर। इसके बाद मुझे था ये 10⁻²⁺ ऊपर जाएगा तो 10⁻²⁺ कितना आ जाएगा, प्लस टू मतलब 300 हो गया, 300 / 5 इज नथिंग बट 60 हो गया, तो 60 मिल गया। अभी मैं n फैक्टर निकाल सकता हूँ, n फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास होता है, मॉलिक्यूलर मास 60 है, एम्पेरिकल मास 30 है, तो आंसर आ गया 2। तो मैं अभी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकता हूँ, n into एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया, बट ये टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। C2H4O2 ऐसा कोई ऑप्शन है, C2H4O2 दैट इज ऑप्शन बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द टेम्परेचर एट विच, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, द टेम्परेचर एट विच मतलब आपको टी का वैल्यू पूछा है, द टेम्परेचर एट विच 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, मतलब डब्ल्यू बी का वैल्यू दिया है 10 ग्राम और वॉल्यूम दिया है आपको 0.1 लीटर, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विल एग्जिबिट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 16.4 atm। तो पाई का वैल्यू दिया है बेटा 16.4 atm और आर का वैल्यू दिया है 0.08205, दैट इज 1/12। तो ये फॉर्मूला यूज करना है, टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से टेम्परेचर विल बी इक्वल टू पाई एम बी वी अपॉन, एक ही फॉर्मूला याद करके जाना एग्जाम में, सब मत याद करके जाना इसे, ठीक है ना, आर है ना, पाई एम बी वी अपॉन डब्ल्यू बी आर। चलिए बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 16.4, एम बी का वैल्यू कौन है, ये ग्लूकोज है, क्वेश्चन नंबर 19 ग्लूकोज है, ग्लूकोज है मतलब 180, वॉल्यूम कितना दिया है 0.1 मतलब, ठीक है, डिवाइड बाय डब्ल्यू बी कितना दिया है 10 दिया है इनटू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 12 है ना, 1/12। तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 12 ऊपर जाएगा, 12 इंटू 16.4 इंटू 0.1 का इसका डेसिमल शिफ्ट होकर 1.8 हो जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 1.8। तो इसको मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर का परफेक्ट वैल्यू आ जाएगा कितना, इट इज 360, कैलकुलेट करना बच्चों, आंसर आ जाएगा 360, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 grams ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, मैंने आपको बोला था पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए भी ये यूज होता है, सो डब्ल्यू बी कितना दिया बेटा 4 grams ऑफ पीवीसी इन 1 लीटर ऑफ डाइऑक्सेन सॉल्वेंट है बेटा, 1 लीटर ऑफ डाइऑक्सेन वॉज फाउंड टू हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई का वैल्यू दिया है
4.1 को बेटा मैं 4 ही ले लेता हूँ, 4 × 10⁻⁴ एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब तापमान दिया है 300 केल्विन, ठीक है। द अप्रोक्सीमेट मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास अप्रोक्सीमेट ही आ सकता है, पॉलीमर है तो, ठीक है ना। आप बताओ डब्ल्यू एम बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ एम बी इट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी आर टी, डब्ल्यू बी कितना है 4 × r का वैल्यू, ये किस में दिया है, एटीएम में दिया और ये लीटर में दिया, तो 1/12 यूज कर सकते हैं, इंटू तापमान कितना दिया है 300 डिवाइड बाय, ये पाई इधर जाएगा, वी भी उधर ही है, पाई का वैल्यू कितना है 4 × 10⁻⁴ इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, ठीक वा, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर 25 आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है, 4 कैंसिल होगा, तो अभी 10⁻⁴ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो फिर कहाँ आएगा, 25 × 10⁻⁴ आएगा, तो ऐसा कोई आप प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं है, भाई कौन सा 2.4 × 10⁵, सो दैट इज ऑप्शन, इसको मैं 2.5 × 10⁵ लिख सकता हूँ, डेसिमल यहाँ से यहाँ पे ले लिया ना बेटा, 2.5 हो गया ना ये, सो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, तो आगे भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 24 तक ही है, आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 21। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डीएम क्यूब, तो 10 ग्राम मतलब डब्ल्यूबी का वैल्यू 10 ग्राम पर डीएम क्यूब, मतलब वॉल्यूम इज 1 लीटर, डीएम क्यूब मतलब 1 लीटर ही होता है, ऑफ यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हमको दिया होता है 60 दिया हुआ है, इज आइसोटोनिक विथ, ठीक है ये बेटा केस 1 हो गया, इज आइसोटोनिक विथ 5% सॉल्यूशन, तो 5% मतलब WB का वैल्यू कितना है 5 ग्राम और वॉल्यूम उसका कितना हो जाएगा 0.1 लीटर, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.1, देखो परसेंटेज में दिया है, गड़बड़ मत करना बच्चों, परसेंटेज में दिया तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1 लीटर हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 लीटर है, ये कॉमन मिस्टेक बच्चे गड़बड़ कर लेते, इधर भी 1 लीटर लिख देते, नहीं परसेंटेज में दिया मतलब वो 100 में से ही होगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन टॉपिक में हमने सीखा ना ये सब। नाउ कहाँ गया क्वेश्चन, मिल गया, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज, मतलब इसका एम वी वैल्यू पूछा है बेटा, एकदम इजी है, आइसोटोनिक है मतलब प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों सेम हो जाएगा, सो पाई वन इक्वल्स टू पाई टू, ठीक है। टेम्परेचर का तो कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं, मतलब सेम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, तो सी वन इक्वल्स टू सी टू हो जाएगा, और वी कैन से पाई वन अपॉन पाई वन इज इक्वल्स टू पाई टू, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, सो कैन वी से दैट डब्ल्यू बी आर टी अपॉन, लिख लेता हूँ बाद में जो नहीं चाहिए वो कैंसिल कर लेंगे, ये किसका यूरिया का विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी इंटू बी ऑफ किसका, कौन है ये दूसरा, एनी सॉल्यूट, ठीक है ना, एक्स ले लेते ना, कोई भी एक कंपाउंड है, चलिए बता आर और टी, आर और टी कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, ये कितना है बच्चों 10 है अपॉन एम बी कितना दिया है, एम बी इसका 60 है, इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 1, इक्वल टू इसका एम बी कितना है 5 अपॉन इसका वॉल्यूम कितना, एम बी कितना है, एम बी तो पूछा है, और इसका वॉल्यूम कितना दिया है 0.1, क्लियर है। तो अभी मुझे एम बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, एम बी इज इक्वल टू, ये 10 नीचे आएगा ये 60 ऊपर जाएगा, तो 5 × 60 डिवाइड बाई 10 इधर इंटू 0.1, 10 × 0.1 तो दोनों कैंसिल हो गया, तो 60 × 5 इज गोइंग टू बी 300, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट वाज डिसॉल्वड इन 500 ml ऑफ वाटर, सो डब्ल्यू बी कितना बेटा 20 ग्राम, 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन मतलब 0.5 लीटर्स, ठीक है ना सर, ये तो सिर्फ वाटर दिया है बेटा, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम वही मान के चलेंगे, मैंने पहले बोला था 20 ग्राम डिसॉल्व करने से कोई ऐसा एक्सपांड नहीं हो जाएगा वॉल्यूम में कोई ज्यादा, और ऐसे हमने सॉल्यूशन में बहुत बार किया है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉल्वेंट का वॉल्यूम, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 600 mm of Hg एट 15 डिग्री सेल्सियस, सो टेम्परेचर कितना दिया 15 + 273
215 प्लस 273 मतलब 288 केल्विन हो जाएगा द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इज। कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है और कुछ नहीं, बाकी सब इजी है। तुम्हें पता है यहां पे फार्मूला क्या यूज करेंगे, Mb = WbRT अपॉन पाई इनटू V। क्या मैं इसको बेटा ATM में कन्वर्ट कर सकता हूं? कैसे? आप सबको पता होता है इसको मैं अगर लिखूं 760 mm of Hg मतलब 1 ATM होता है, तो इसको 600 को अगर मैं 760 से डिवाइड कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATM में कन्वर्ट हो जाएगा। 760 mm of Hg is 1 ATM होते हैं ना। सो व्हाट विल बी Mb फ्रॉम हियर बच्चों? Mb विल बी इक्वल टू Wb, Wb का वैल्यू 20 into R। अभी मैंने इसको ATM में कन्वर्ट कर दिया और ये लीटर में तो 1/12 वाला चल जाएगा अपने को, into 288 divide by pi into V। pi का वैल्यू कितना है बच्चों? 600 upon 760 into V। वॉल्यूम कितना दिया है? 0.5 लीटर। 0.5 लीटर मतलब 1/2 लिख दो, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी बताओ ये 76 और ये 2 ऊपर जाएगा और ये 12 नीचे आ जाएगा। सो 20 इंटू 288 इंटू 76 इंटू 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या क्या बचेगा? 12 बचेगा, 12 इंटू और क्या बचेगा? 60 बच जाएगा। क्लियर है? सो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें ये कितना हो जाएगा? 3 जा 20 3 जा, ठीक है। उसके बाद में कुछ तो डिवाइड होने वाला नहीं है, ये डिवाइड होगा शायद से 1216 के आजूबाजू में कोई ऑप्शन होना चाहिए। यस, आंसर इज 1200। तो आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना बेटा? 1200 ग्राम पर, ठीक है, अप्रोक्स निकला हमने भी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, 23 एट अ टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस मतलब आंसर 600 केल्विन द कॉन्सेंट्रेशन C ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज P। सो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C, तो C इज इक्वल टू C, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की जगह पे P ऐसा दिया है उन्होंने। द सेम सॉल्यूशन एट कॉन्सेंट्रेशन C2, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट कंडीशंस, सेम सॉल्यूशन एट कॉन्सेंट्रेशन C2 एंड टेम्परेचर अभी कितना दिया है? 427 मतलब 700 केल्विन, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर शोज एज पाई का वैल्यू कितना बेटा? 2 ATM। द वैल्यू ऑफ P विल बी, एकदम सिंपल है बेटा ये, एकदम सिंपल सा है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था पाई वन इज इक्वल टू C1 RT1, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग डिवाइड बाय पाई टू कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2 RT2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? R और R कैंसिल, व्हाट इज पाई वन? इसको वन, ये टू और ये टू। चलो पुट करो वैल्यूज फटाफट से। पाई वन की जगह पे पी लिखेंगे, पाई टू की जगह पे टू लिखेंगे, सी वन की जगह पे क्या लिखेंगे? सी इंटू टी वन की जगह पे 600 डिवाइड बाय, सी टू की जगह पे क्या लिखेंगे? सी बाय टू इंटू 700, है ना। सब कैंसिल हो जाएगा अभी, ये सी और ये सी कैंसिल, ये टू, ये दो जीरो कैंसिल, ये टू ऊपर गया तो 12 हो जाएगा। सो पी बाय टू इज इक्वल टू 12/7। So P is equals to 12 2s are 24 by 7 ग्राम सर इज देयर फॉर यू। तो बेटा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। आप लोग पढ़ते रहो और मुझे आंसर्स देते रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर। चार दिन से ना बहुत कर दिन, बहुत ऐसा, दो दिन पहले बहुत लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लेते एक ही दिन में, तो गर्दन में मोच आ गया। चलो, What is the osmotic pressure of 0.002 mole per dm cube? तो बेटा ये क्या दिया है? Concentration दिया है 0.002 ना, तो इसको बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? 2 × 10⁻³। Concentration दिया है, sucrose दिया है, sucrose, तो C12H22O11
इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा बेटा 342 एट 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 293 केल्विन। द मोलर गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू दिया हुआ है 8.314, ये तो जूल में दे दिया है। जय काली मां, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है ना। 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब, उन्होंने ये भी दे दिया जिनको नहीं पता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब, इस तरीके से। तो चलिए अभी बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसका रीजन ये है कि जो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है वो देखो पास्कल में दिया है। पास्कल जिनको नहीं पता बेटा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बेटा इट्स अ गेम ऑफ ओनली यूनिट्स, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है, पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 2×10^-3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2×10^-3, अब यहाँ पे डीएम क्यूब में दिया है मोल पर डीएम क्यूब। अब डीएम क्यूब को बेटा किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। तो बेटा यहाँ पे अपॉन में ना, तो अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, 10^-3 खत्म, और कुछ नहीं। 10^-3 आर का वैल्यू कितना दिया है, 8.314, ये तो मैं कभी यूज भी नहीं करता, मैं तो यूज करूंगा कितना 25/3 इनटू टेम्परेचर कितना दिया बच्चों, 293, क्लियर है। तो ये 10^-3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना, 3 9 27 3 9 27 9 3 27 2 बचा, और ये 23 हो गया, तो 7 7 3 21, तो 7 9 97 point something आएगा, 97 point something, और ये 50 मतलब 50 और 97 मतलब अप्रोक्सीमेटली 100। तो इसका मतलब 100 और ये 50, देखो ये 50 है बट ये 100 नहीं है, तो इसका आंसर 5000 से कम आएगा। तो 5000 से कम आंसर कौन सा है, 5000 से कम आंसर एक ही है, इट इज 4870, और ये क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज जूल्स, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 10^-3 क्यों करना पड़ा, बिकॉज ये डीएम क्यूब में था और पास्कल में आंसर दिया है, पास्कल में आंसर दिया तो न्यूटन पर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ फोर्थ एंड द लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आपको होमवर्क वाला पीडीएफ भी दिया गया है, उसका आपको खुद से सोल्यूशन करना है, आंसर की आपको दिया गया है ना स्टूडेंट्स। ये चैप्टर यहाँ पे अभी भी खत्म नहीं होता है, अभी हमारा एक टॉपिक बच जाता है। आपने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं जब हम लोग ने फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया था, तब से हम लोग ने बेटा सिर्फ और सिर्फ जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जो डिसोशिएट नहीं होता है, जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, आपने देखा होगा यही सब एग्जांपल्स में देखे। लेकिन स्टूडेंट्स एग्जाम में आपको NaCl है, उसके बाद में CaCl2 है, कोई भी आपको सॉल्यूट जो डिसोशिएट होता है उसका भी आ सकता है। उसका हम लोगों को कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जो वेंटॉफ ने बेटा उसको डिटेल में स्टडी किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं वेंटॉफ फैक्टर। जो मॉलिक्यूलर मास हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो आता नहीं है, अगर वो सब्सटेंस क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्टूडेंट इस वजह से हम लोगों को इसके ऊपर और थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर में। डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत ही प्यार से तसल्ली से मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको दो लेक्चर्स अगर जरूरत पड़ी तो MCQ सॉल्व करूंगा कि कैसे उसके ऊपर MCQ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, अभी भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से और दो लेक्चर्स लगेंगे हमको, तो वो खत्म होने के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, डिसोसिएशन एसोसिएशन से कैसे अफेक्ट होता है मॉलिक्यूलर मास, और वेंटॉफ फैक्टर क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वो सब हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।